यूं तो दुनिया में कई तरह के बाजार लगते हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे बाजार के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा। आम तौर पर आपने यूं देखा होगा कि शादियों में लड़की वाले दहेज देते हैं, लड़की वाले लड़के की मांग के अनुसार दहेज देते हैं। लेकिन इसी धरती पर एक ऐसा देश भी है जहां इसका बिल्कुल अलग होता है। यहां लड़के के परिवार को लड़की के परिवार को पैसे देने पड़ते हैं, और बाजार में अगर लड़के की पसंद की गई तो फिर लड़के के परिवार वालों को लड़की को भी बहू मानना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुल्गारिया की स्टराजोव नाम की जगह पर। हर 3 साल में दुल्हनों का बाजार लगता है और यहाँ लड़के आकर अपनी मनपसंद लड़की चुनते हैं। ये मेला ऐसा गरीब परिवार द्वारा लगाया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से कर सकें। बाजार में लड़कियों को दुल्हन की पोशाक में सजाकर बाजार में लाया जाता है। बिकने वाली दुल्हनों में हर उम्र की महिलाएं होती हैं। दुल्हन खरीदने के लिए लड़के के साथ उसके परिवार वाले भी पहुंचते हैं। पहले लड़का हर लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर उनको बात करने का मौका दिया जाता है और पसंद होने पर तय रकम देकर दुल्हन खरीद ली जाती है। यह काफी पुराना वर्षों मेला लगता है, इस पर कभी कोई कानूनी रोक नहीं है। ये बाजार बुल्गारिया के कलाई दजी समुदाय द्वारा लगाया जाता है। समुदाय से बाहर का कोई भी व्यक्ति दुल्हन नहीं खरीद सकता। बाजार में वही लोग आते हैं जिन्हें अपनी बेटी बेचनी होती है। बाजार में लड़कियां अकेली नहीं आती, उनके साथ परिवार का कोई सदस्य जरूर आता है। SPNI न्यूज रूम की रिपोर्ट।